हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक। ये वीडियो होने वाला है HDFC डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कैसे आप इंटरनेशनल लिमिट और डोमेस्टिक लिमिट और मॉडिफाई कैसे करेंगे, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे करेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो जाकर देख लो। उसमें मैंने बताया था कि RBI की एक न्यू रूल आ रही है, यहाँ पर 16 मार्च से वो एप्लीकेबल होगी, जिसमें होगा कि आपके डेबिट कार्ड को सेफ रखने के लिए यहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ का फीचर्स दिया जाएगा। बहुत सारी बैंक पहले से ही प्रोवाइड कर रही है, कुछ बैंकों के लिए रेगुलेशन जारी कर दिया गया है कि अब कंपलसरी हो गया कि आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह में आपको ये फीचर्स देने हैं। और उसमें साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ें लाई गई कि आपको बाय डिफॉल्ट जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिसेबल होकर आएगा, उसे इनेबल करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल बैंकिंग या फिर कस्टमर से बात करके इनेबल करना पड़ेगा। इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया था कि HDFC क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा कमेंट्स आए थे, उस पर वीडियो बनाई। मैंने कहा था कि वन बाय वन करके आप कमेंट्स कर सकते हैं किस किस बैंक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आज बात कर रहे हैं HDFC डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कैसे मॉडिफाई करेंगे। HDFC अभी तक फिलहाल कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ का फीचर नहीं लाया, लेकिन आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे होगा कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं, कितने ट्रांजेक्शन लिमिट आप सेट करना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पर आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप सेफ रख सकते हैं। तो पहले प्रोसेस में जानते हैं HDFC डेबिट कार्ड के बारे में, उसके बाद जानेंगे HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले आपको HDFC की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको कार्ड का सेक्शन दिख रहा होगा, आप कार्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको सेट इंटरनेशनल लिमिट और डोमेस्टिक यूजेज होंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे इनेबल डोमेस्टिक या फिर बोथ, तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपको नीचे वाले सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ऊपर वाला में यानी कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को आप इनेबल करके रखें, क्योंकि आप इंडिया में कार्ड आपका यूज़ हो पाए। अगर आउट ऑफ इंडिया आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आप उसे डिसेबल कर लें, तो अपने अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट नंबर सेट कर ले रहा हूँ, तो क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन नहीं करता हूं, तो वहां पर कोई भी यूजेस मेरा नहीं है, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि फ्रॉड वगैरह होते हैं तो कार्ड जब डिटेल लीक वगैरह होती है तो आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया जाता है, क्योंकि वहां पर OTP वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से अपने अकॉर्डिंग आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप सिर्फ चाहें तो डोमेस्टिक लिमिट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि होता है कि यहां पर डोमेस्टिक लिमिट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे वहां पर क्लिक करेंगे, वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग ATM लिमिट और POS मशीन मर्चेंट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। जैसे ATM लिमिट मेरे यहाँ पर 25,000 रुपये हैं, तो उसे मैं अपने हिसाब से कम कर सकता हूँ, 5,000 कर सकता हूँ। अगर ATM ट्रांजेक्शन मैं नहीं करता हूँ तो उसे जीरो कर लूँगा, क्योंकि ATM ट्रांजेक्शन मैं करता ही नहीं हूँ, तो मैं जीरो भी सेट कर सकता हूँ। अगर आप POS ट्रांजेक्शन भी नहीं करते हैं तो वो भी आप जीरो या फिर जो भी जितने आपका लिमिट है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लें कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो करेंगे नहीं। तो इससे होगा कि इससे बेसिक कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह फ्रॉड वगैरह करना चाहेगा तो आपके कार्ड से नहीं हो पाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी इसी तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल भी करना है तो उसे भी मॉडिफाई आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको अगर ATM से विड्रॉवल करना है आउट ऑफ इंडिया तो उसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं, या फिर POS मशीन पर यूज़ करना वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से HDFC क्रेडिट कार्ड को भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कार्ड सेक्शन पर ही क्लिक करना, ऊपर में ही आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद वहाँ पर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के बाद इंटरनेशनल इनेबल और डिसेबल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर से आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट कार्ड से नहीं करते हैं तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं, अगर करते हैं तो इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है मॉडिफाई करने का भी, तो यहाँ से अपने ट्रांजेक्शन को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपका यूज़ नहीं है तो आप 5,000 ही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5,000 ही सेट कर लें, क्योंकि ज़्यादा रखने से क्या फ़ायदा। अगर कार्ड वगैरह फ्यूचर में कभी लीक वगैरह होते हैं डेटा इनके, तो आपके इस कार्ड के साथ फ्रॉड वगैरह नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों यही था HDFC डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सेफ करने का प्रोसेस। इसमें डायरेक्टली स्विच ऑन और स्विच ऑफ का फीचर आपको HDFC में नहीं मिलता, जैसे कि एक्सिस कार्ड में मिलता है कि आप टेम्पोररी उसे ब्लॉक कर सकते हैं या टेम्पोररी अनब्लॉक कर सकते हैं। वैसे ICICI बैंक भी प्रोवाइड करते हैं इस तरह का फीचर, लेकिन यहाँ पर टेम्पोररी ब्लॉक का फीचर नहीं है। आप लिमिट्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इस तरीके से अपने कार्ड को आप सेफ रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपका डाटा भी लीक होता है कार्ड वगैरह का, तो आपसे फ्रॉड ट्रांजेक्शन आपके कार्ड के साथ नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पैसे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं, आगे मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड। जैसे आपने कमेंट्स किया था बहुत लोगों ने ICICI बैंक पर, तो उस पर वीडियो आ जाएगा और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आ जाएगा। SBI पर मैंने वीडियो बना के रखा, वही वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि ये इस तरह से इनेबल करने के बाद आपके साथ कार्ड में फ्रॉड नहीं होगा, तो आप वो वीडियो देख लें। इसमें मैंने बताया है योनो लाइट्स के बारे में, आप योनो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं।
उस पर मैं कोशिश करूंगा अलग से एक वीडियो बना दूं, योनो एप्लीकेशन से कैसे आप अपने ट्रांजेक्शन्स को मॉडिफाई और स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।